लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था स्वेप्ट 3D, ठीक है। अब हम कर रहे हैं लॉफ्ट। लॉफ्ट में क्या होता है, हमारे पास ये देखो तीन सेक्शन है इस वक्त, दो तीन चार, कम से कम दो होने जरूरी है, नंबर ऑफ सेक्शन जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल पाथ है हमारे पास जो तीनों से पास होता हुआ बना है, तीनों से इंटरसेक्टिंग टूल पाथ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नई फाइल खोल लेते हैं। तो सबसे पहले पहला सेक्शन बना लेते हैं, भाई मुझे पहला सेक्शन कैसा चाहिए। तो लाइन लगा के फालतू का ट्रिम कर सकते हैं, मुझे ये बीच वाली भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वापस से टॉप व्यू कर लो, सेक्शन सेक्शन बना लो। सेकंड सेक्शन के हम यही बना रहे हैं, जैसी भी शेप चाहिए आपको, जो बोतल वगैरह होती है ना, बोतलें, उसको बनाने के काम आएगा। तो हम सेंटर से इधर ले जाते हैं, सेंटर से इधर ले जाते हैं, ताकि वह मेरा ये लाइन से नीचे ना आए। डिवाइड ले लेते हैं, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है मेरे पास उसको ट्रम लगा लेते हैं, इधर भी एक लाइन लगा लेते हैं, छोटा रह गया थोड़ा सा, क्योंकि वो जब हमने ट्रिम किया है ना, तो ट्रिम किया तो वो यहाँ तक ट्रिम हो गया। ठीक है, सेकंड सेक्शन भी बन गया मेरा, थर्ड सेक्शन भी बना लेते हैं। मतलब हम एक बोतल की तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं, प्लेट लगा लेते हैं इधर, जैसी भी शेप चाहिए, फालतू का मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे तीन सेक्शन बन गए, बट ये तीनों एक ही प्लेन पे बने, तो हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मूव कर लेंगे जेड की डायरेक्शन में, कितना चाहिए, मैंने कहा जी -200 चाहिए, ठीक है। एंटर, ओके, तो ये -200 पे चलेगी। तो ट्रांसलेट इसको कर देते हैं, ये कितने पे चाहिए, मैंने कहा -100 पे चाहिए, एंटर करेंगे, ओके करेंगे। तो ये हमारे तीन सेक्शन, ठीक। हम चार भी बना सकते हैं, पांच भी बना सकते हैं, जितने मर्जी। इसको ट्रांसलेट कर लो, कॉपी ऑन कर लो, और एक इसको पीछे और ले जाते हैं, ठीक है। जितने भी वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास ये चार सेक्शन बन गए, ठीक है। अब इसमें हम लगाते हैं हमारा लॉफ्ट का, तो मिलिंग डिफॉल्ट कर दिया, यहाँ से हमने लॉफ्ट लिया। अब ये पूछ रहा है फर्स्ट कंटूर, तो फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो, फोर्थ दे दो, ठीक है। तो चारों हो गया, पांचवा पूछ रहा है हमें नहीं देना, तो ओके कर देते हैं, क्योंकि फिनिशिंग का ऑपरेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉल नोज ले लिया। फीड स्पीड दे दी, स्पिंडल स्पीड दे दी, फीड पर टूथ कटिंग स्पीड, टूल का डायमीटर, अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है टूल में तो यहाँ पे एडिट टूल करके मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो इसकी ये सारा कुछ आ जाएगा, प्लंज रेट कितना है, जितना भी हमारे मैनुअल में लिखा हो
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फीड पर टूथ कटिंग स्पीड वगैरह का सारा कुछ दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, लॉफ्ट करेंगे तो अब ये अलॉन्ग हो रहा है, अक्रॉस चाहिए या लॉन्ग चाहिए, ये हमने पिछले उसमें भी देखा था, सेम ही ऑप्शंस है। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। अलॉन्ग अक्रॉस कितने कितने का कट चाहिए, ओके कर दो। तो ये हमारा टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट सेक्शन, उसमें प्रॉब्लम हो गई है। फर्स्ट सेक्शन को हम एडिट करेंगे, उसमें ना वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, उसको उसकी वजह से वो नीचे चला गया। तो इसको डिलीट चेन करके, ऐड चेन करके, ये कर्व सेलेक्ट करके, ठीक है, तो अब ये वाली जो हमारी 8वें नंबर पे है, तो इसको हमारे को लाना सबसे पहले पे। इसको उठा के भी कर सकते हैं, ठीक है, पहले 8 नंबर वाली, फिर 2 नंबर वाली, फिर 3 नंबर वाली, फिर 4 नंबर वाली, ठीक है, इनकी सीक्वेंस सेम सही होनी चाहिए। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे दोबारा से, तो वो लाइन फिर से उसने उठा लिया, हमने डिलीट नहीं ना करी, तो हम सबसे पहले जाते हैं वायर फ्रेम में, यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके, जनरेट। तो अब ये देखो वही हुआ है पंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे वो वहाँ से वापस आ गया। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जिसकी ज्योमेट्री है उसमें देखो ये है, ये है, ये है, ये है। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है डिलीट चेन करके, ठीक है, दोबारा से डिलीट चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऐड चेन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस, ओके, जनरेट। ठीक, नहीं तो इजी है ये, इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से टूल बार उठा देते हैं। ठीक है, जितने टाइम हम उसको गलती ढूंढने में निकाल लगाएंगे, उतनी देर में ये दोबारा बनाना ज़्यादा इजी है। अब सही बन गया ना, वो पहले क्या हो रहा था, 1 2 3 4, फिर चौथे के बाद फिर पहला वाला ले रहा था। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगाएगा। ओके कर दो इसको, तो ये हमारा टूल बार जनरेट हो गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ऑफ, जिगजैग की जगह सर्कुलर, ठीक है, लॉन्ग की जगह क्रॉस कर देंगे, जनरेट करेंगे, तो ये ठीक है, क्योंकि सर्कुलर कर दिया ना, तो अब वो नीचे भी लगाने लग गया। अब ये इसमें एक तो मेरे को, यानी इसको सर्कुलर नहीं करना, इसको जिगजैग ही रहने देते हैं। सेकंड थिंग, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, अभी देखो टूल कहाँ से आ रहा है, टूल इधर से आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए कि टूल ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारे को तो ऐसे चलाना है, टूल जेड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो पैरामीटर में जाएंगे, या टूल बार में जाएंगे, या प्लेन, तो टूल मेरे को किधर से चाहिए, तो टूल मैंने कहा मेरे को जो चाहिए वो चाहिए फ्रंट से, तो ये फ्रंट नीचे को हो गया, तो हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये भी बैक, ये भी बैक, ओके कर दो, ओके कर दो, जनरेट कर। तो अब टूल बार टूल देखेंगे तो अब सही आ, ठीक है, नहीं तो इसको प्ले कर सकते हैं। तो जो हमने सेक्शन बनाए थे सबके साथ इंटरसेक्ट होता हुआ हमारा जो है टूल पाथ जनरेट हो जाएगा।
है। और हमारे पास चार सेक्शन है इसके अंदर, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चार हो, पांच हो, जितने मर्जी, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस यही है कि स्वेप्ट 3D में हमारे को गाइड कर्व चाहिए अब, और लॉफ्ट में हमारे को गाइड कर्व नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसके जो सिंबल है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये गलत बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसमें हम एक ही साइड सेक्शन हो सकते हैं, गाइड कर्व नहीं, नहीं हो सकती। तो ये है हमारा लॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रूल्ड, ठीक है, फिर देखेंगे रूल्ड और लॉफ्ट में क्या फर्क है। अब हम स्वेप 2D भी कर सकते हैं, स्वेप 3D भी कर सकते हैं, रिवॉल्व भी कर सकते हैं, लॉफ्ट रूल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल्ड का टूल टूल पाथ बनाते हैं।